close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. So guys, गाड़ी में काम स्टार्ट हो चुका था. ऑलरेडी सारा काम खत्म हो चुका है. सो इसमें हमने जो आइटम इंस्टॉल करी है उसके बारे में आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ. सो इसके अंदर हमने डे टाइम रनिंग लाइट लगाई थी, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर की साइड आईब्रो पे लगाई है. और इसका जो ओवरलुक आएगा कुछ इस टाइप का आएगा. और इसके अलावा हमने नीचे इसमें प्रोजेक्टर इंस्टॉल किए हैं, उसका भी आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं. और उसके बाद बहुत लोग एक रिक्वायरमेंट्स थी हमारे पास कि जैसे कि ये फ्रंट व्यू आते हैं इसके, ये देख लीजिए क्रोम के यूज़ जो होते हैं. सो ये भी हमने आफ्टर मार्केट ही लगाए हैं. बेसिकली ये S3 मॉडल है, इसमें ऐसा कुछ लगा हुआ अभी तक तो नहीं आता है. और आगे बढ़ते हैं वीडियो में. उसके बाद अगर गाइस साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में हमने ये वाला इसका जो ग्लास होता है, ग्लास के ऊपर का कवर हमने चेंज किया है. उसके बाद ये इंडिकेटर का ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा. और मिरर कवर के बाद गाइस बारी आती है अभी इसमें डोराइजर की. डोराइजर बेस भी आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी हमने इसमें लगाए हैं इसमें डोराइजर. डोराइजर जो है इसमें नॉर्मल क्वालिटी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वालिटी इसमें हमने यूज़ किया. और इसके अलावा ऊपर की बात करें तो रूफ रेल्स आप देख सकते हैं इसकी, कि रूफ रेल्स का एक ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ मैं. ये देख लीजिए, और अगर गाइस बात करें क्रोम के हैंडल्स की तो क्रोम के हैंडल्स की फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है, ज़बरदस्त है. और यहाँ से आप पकड़ते हुए कोई चुपते नहीं है ये बेसिकली. और इसके बाद गाइस बारी आती है यहाँ पे हमारे वेलकम स्कफ प्लेट्स की. तो स्कफ प्लेट्स में हमने अगेन सबसे हाई एंड जो हम यूज़ करते हैं अपनी गाड़ियों में, वही हमने इस स्कॉर्पियो में भी लगाई है. और इसके अगर वाइज इसमें जो है बकेट सीट कवर्स भी लगे हैं. सीट कवर्स की क्वालिटी आप बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ हैं. आप इसका एक ओवरव्यू भी ले सकते हैं इस गाड़ी के अंदर कि इसकी कैसी फिनिशिंग आपको बकेट की देखने को मिलने वाली है. सो देख लीजिए. और इसमें बिल्कुल ही सिंगल एंड सिंपल सुपर इसमें रखा गया है इसके कलर को. इसमें कोई भी इंटीरियर चेंजेस नहीं किए गए हैं. बेसिकली इसमें एक आपका स्टीयरिंग कवर लगाया गया है मीडियम रेंज में. और इसके अलावा जो इसके सीट कवर है, सीट कवर में हमने हाई एंड क्वालिटी लगाई है इसमें. नॉर्मल क्वालिटीज में हमारे बहुत सारे ऑप्शन से 3000-4000 के रेंज में, बट इसमें हमने हाई एंड क्वालिटी लगाई है. और अगर इसके बाद बात करें हम स्टीरियो की, स्टीरियो में हमने इसमें सोनी का 3000 नंबर लगाया है. काफ़ी सारे लोगों में कमेंट्स आ रहे थे कि यार 5000 नंबर पे आप एक वीडियो बनाइए, 3000 नंबर पे एक वीडियो बनाई है. सो बेसिकली आज हमने 3000 सोनी के 3000 नंबर पे हमने एक वीडियो बनाई है. सो इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप ट्यूनिंग का, मतलब कि आपको रेडियो का, ब्लूटूथ का, फ़ोन कॉलिंग का, और USB और रियर कैमरे वगैरह का ऑप्शन भी मिल जाएगा. साथ में सेटिंग्स वगैरह आपकी जनरली सेटिंग्स होती हैं इसमें, ये देख लीजिए आप. जनरल साउंड, विजुअल एंड ब्लूटूथ वगैरह की नॉर्मल सेटिंग्स है इसमें भी. इसके बाद लास्ट में आपको इसका मैं एक साउंड भी सुनाऊंगा कि इसका एक्चुअल साउंड कैसा है. और इसके बाद गाइस अगर हम बैक सीट्स की इसकी बात करें तो बैक सीट्स में भी कोई भी किसी तरह का कोई फ्लफिंगनेस नहीं है. बेसिकली क्या होता है बकेट सीट्स में लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गैप छोड़ देते हैं. इसमें कोई गैप नहीं है, कोई फ्लफिंगनेस नहीं है, देख लीजिए ये. और ये बहुत स्पंची है, मतलब कि बहुत आरामदायक आपको इसमें देखने को मिलने वाला है. पीछे का भी लोग आप देख सकते हैं इस टाइप में. भैया थोड़ा सा सामान भी यहाँ पे पड़ा हुआ है. सो ये हमारा डब्बा है 3000 नंबर का, ये देख लीजिए आप. सो इसके लास्ट में आपको एक लाइटिंग का ओवरव्यू, और इसके बाद एक आपको हम इसमें आपको दिखाएंगे कि इसका म्यूजिक सिस्टम, साउंड सिस्टम हमने जो इंस्टॉल किया है उसका इफेक्ट कैसा है. और भाई इसके लास्ट में जो हमारा म्यूजिक सेटअप था वो कुछ इस टाइप में है. जनरली आपने देखा होगा कि डबल डिन का कोई ऑप्शन नहीं आता है स्कॉर्पियो में. और हमने एक प्रॉपर तरीके से इसमें, ये देख लीजिए आपको एक ओवरव्यू, ये देख लीजिए हमने प्रॉपर तरीके से इसमें एक डबल डिन इंस्टॉल किया है. इसका आपको मैं एक बार ओवरव्यू दे दूंगा कि इसका साउंड पैक कैसा है. तो इसमें हमने जो इंस्टॉल किया है म्यूजिक में, एक आपको मैं दिखाता हूँ. यहाँ पर हमने सोनी का 3000 नंबर, और उसके बाद बात करें तो हमने यहाँ पर रॉकपोर्ट के स्पीकर्स हमने इंस्टॉल किए हैं, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए एक इस साइड पे एंड उस साइड पे. और पीछे हमने नॉर्मली जनरली दो स्पीकर्स और लगाए हैं. सो बैक रेयर सीट्स में है वो हमने नॉर्मली बॉक्स में लगाए हैं दो स्पीकर्स. तो उसका इफेक्ट भी काफ़ी आपको देखने को अच्छा मिलने वाला है इस वीडियो में. No rest, echoing around.
सो गाइस यहाँ पे हम आए अपनी लाइटिंग की टेस्टिंग के लिए। देख लो बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पे इस टाइम पे, तो इस यहाँ पे हमने जो प्रोजेक्टर यहाँ पे इसमें इंस्टॉल कराया है, सो उसका क्या इफेक्ट आने वाला है। सो भी एक बार ऑन कर दो प्रोजेक्टर को, कैसे इफेक्ट है ये देख लो गाइस। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टर है, कोई भी हेडलाइट इसमें यूज नहीं की जा रही है। सो देख लीजिए, कोई भी हेडलाइट को कोई यूज नहीं है इसके अंदर, सिर्फ एक पार्किंग लाइट है, उसके अलावा ये प्रोजेक्टर जल रहा है इसमें। ये देख लीजिए, कोई भी इसमें हेडलाइट का यूज नहीं किया गया है और इसका इफेक्ट आपके सामने है। सो गाइस वीडियो हो गई खत्म इस टाइम पे, सारा काम कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। और इसके बाद बारी आती है भैया से अगर बात कर ले कि जितना भी ऑलरेडी भी आपकी गाड़ी में काम हुआ है, सेटिस्फेक्शन है आपको इससे या नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो ये आप बताइए। फुल सेटिस्फाइड, मेनली आप मेनली क्योंकि भैया भी एक वीडियो देख के आए थे हमारे पास। सो उसमें क्या था कि जितना आप लोग यार देखते हैं ना, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपके साथ कैसे ट्रीट किया जाता है, देन आपके साथ कैसा एक व्यवहार होता है, सो उसके बारे में को क्या लगता है भाई? नहीं भैया, आप लोग बहुत सपोर्ट रहा, जो चीज हमें जैसी चीज कही आपने सब कुछ हमें दिया। और बेसिकली एक चीज मैं भैया के बारे में और बताना चाहूंगा कि भैया ने बहुत ही अच्छे लेवल का काम करवाया है बेसिकली मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि मतलब कि हर चीज उन्होंने अच्छी से अच्छी ही डलवाने की कोशिश की है। हर चीज में हमने इनको ये चीज बताई कि कुछ चीजों में अगर एग्जाम्पल के लिए आप जैसे DRL देखी है वो हमें अच्छी ही डलवानी पड़ेगी, क्योंकि भैया की गाड़ी जो है यहाँ की दिल्ली की लोकल नहीं है, और बाकी भी क्या है भैया बाहर से आए हैं बेसिकली, हरदोई डिस्ट्रिक्ट बेसिकली भैया यूपी से आए हैं। सो उसके अलावा गाइस जितने भी यार आप लोग काम करवाते हो ना, तो प्लीज काम अच्छा कराओ, बेशक थोड़ा कम कराओ, बजट यार एक मैटर करता है, ऑब्वियसली मेरे लिए भी मैटर करता है अगर मैं कोई भी गाड़ी में काम करवाऊंगा, सो उसके अकॉर्डिंगली। और सबसे बड़ी आती है प्राइसिंग की बात, जितने भी यार लोग कमेंट्स करते हैं ना कि आप प्राइसिंग नहीं बताते हो वीडियोस में, या आप क्या कहते हैं इसके अलावा कुछ डिस्क्राइब नहीं करते हो, तो डिस्क्रिप्शन बारे में नहीं होते यार, प्राइसिंग फ्लक्चुएट होते रहते हैं ऊपर नीचे। सो जितने भी आपको किसी भी आइटम पे कोई भी आइटम के आपको अगर प्राइसिंग चाहिए, सो उसके बारे में आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर मेरे पास नीचे प्रोवाइड कर जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो फ्लैश होता हो आपको कहीं ना कहीं स्क्रीन में वीडियो में दिख जाएगा 3 से 4 बार। सो आप मेरे को व्हाट्सएप करके हर एक आइटम के रेट ले सकते हैं, तो फ्लक्चुएट होते रहते हैं ऑब्वियसली यार, अप एंड डाउन जाते हैं प्राइजेस, तो उसके अकॉर्डिंगली हर चीज़ के प्राइजेस अलग अलग होते हैं। सो गाइस वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, सो स्टिल ट्यून एंड गाइस प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और उसके बाद लाइक जरूर करना सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर हो सके तो इतना ज्यादा करो यार, मोस्ट ऑफली आप लोगों को प्यार है तभी यहाँ पे हम है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं यार, आते रहेंगे। स्टे ट्यून, बाय बाय।